भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। पुणे का एक केस आया कि सातवें महीने में गर्भ के अंदर बच्चा एकदम निष्क्रिय हो गया था, सुस्त छोटा हो गया था पूरा, और डॉक्टर ने बोला कि अब तो अबॉर्शन करना पड़ेगा इसका। वहां से फोन आया तो हमने डॉक्टर तारा सिंह जी जो आपके बीच में है यहाँ पर, उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि उनको यज्ञ कराओ। लेखा माता जी के माध्यम से डोंबिवली से उनसे बात हुई तो नीचे यज्ञ के हवन कुंड के नीचे उसमें ड्राई फ्रूट का लेवल बिछाया गया, सभी तरह के ड्राई फ्रूट उसमें लगाए गए और फिर यज्ञ चालू किया। देखिए, दो महीना यज्ञ करने से वो बच्चा वापस पुष्ट हो गया और नॉर्मल डिलीवरी हुई उसकी, और प्रॉपर वजन जो होना चाहिए 2 किलो 900-800 ग्राम वो उसने बच्ची को जन्म दिया। मेरी माता जी आज 84 इयर्स की हैं, 3 बार पैरालिसिस हो गया, हमने 3 बार उसको ठीक कर लिया। आज वो अपने पैरों पे चलकर जाती है, रोज यज्ञ हमारे साथ में सोफे पे बैठ के सब सुनती हैं, उनको पूरा यज्ञ याद है। लेकिन एक भी परिवार का मेंबर, जब से हम आज 5 साल से यज्ञ कर रहे हैं, हमारा एक भी फैमिली मेंबर आज हॉस्पिटलाइज नहीं है, डॉक्टर की मेडिसिन नहीं ले रहा है, और ज्यादा से ज्यादा अभी हम योग और यज्ञ को ही बढ़ाते चले जा रहे हैं। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए आज हम हमारे ऋषियों के द्वारा प्रदत्त जो पावनी परंपरा, याज्ञिक परंपरा, उसके विषय में जानेंगे। हमारे नीति शास्त्र और स्मृति शास्त्रों ने, हमारे जो धर्म ग्रंथ है उन्होंने जो एक मानव का संपूर्ण विकास और एक सामान्य जीवन की स्थिति से एक उच्च चेतना से युक्त जीवन जीने की जो स्थिति है वहाँ तक पहुँचने के लिए, अर्थात अभ्युदय और निःश्रेष की जीवन में सिद्धि, जीवन में पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, यह जो पुरुषार्थ चतुष्टय है उसकी सिद्धि के लिए 16 संस्कार, 5 महायज्ञों की पावनी परंपरा हमें प्रदान की है। इसमें जो 5 महायज्ञों की पावनी परंपरा है वह विशेष रूप से हमारे जीवन को पोषित, पल्लवित और आगे बढ़ाने वाली होती है। नृयज्ञम, पितृयज्ञम, देवयज्ञम, ये जो हमारे शास्त्रों में, मनुस्मृति आदि ग्रंथों में बताया, 5 महायज्ञ, पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवेश्व देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, ये 5 महायज्ञ कहे जाते हैं, यज्ञ नहीं महायज्ञ कहे, और यह 5ों प्रतिदिन पालनीय होते हैं, प्रतिदिन हमें उसका पालन करना होता है, प्रतिदिन इन 5 महायज्ञों को हमें करना होता है। यदि हम अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि के साथ पुरुषार्थ चतुष्टय को हम अपने जीवन में सिद्ध करना चाहते हैं, यह 5 महायज्ञों में सबसे पहला यज्ञ होता है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ अर्थात परमपिता परमात्मा की सन्निधि में रहना, परमपिता परमात्मा का ध्यान करना, भजन करना, सत्संग करना, स्वाध्याय करना, वेद और वेद आदि जो मोक्ष शास्त्र है उसका अध्ययन करना, अध्यापन करना, ये सारी की सारी चीजें आत्म मंथन पर्यंत की, यह ब्रह्म यज्ञ कहे जाते हैं।
प्रतिदिन भोर में और सायंकालीन संध्या के समय में हम ब्रह्म यज्ञ करते हैं, संध्या करते हैं वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए, परमपिता परमात्मा की ईश्वर की महिमा को गाते हुए वेद मंत्रों के माध्यम से, और अपने मन का आकलन या अवलोकन करते हुए दुर्गुणों और दोषों का हम त्याग करते हैं, सद्गुणों और सद्भाव को प्राप्त करने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, यह होता है ब्रह्म यज्ञ। उसके बाद होता है देव यज्ञ, अर्थात अग्निहोत्र, होम, हवन जिसको हम कहते हैं। यह विशेष रूप से इस प्रकृति के पोषण के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए, और भी इसके बहुत सारे प्रयोजन हैं देव यज्ञ के। स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, यज्ञ द्वारा वायु एवं वृष्टि जल की शुद्धि होकर, वृष्टि द्वारा संसार को सुख प्राप्त होना, अर्थात खान पान आहार विहार से लेकर के श्वास स्पर्श आदि के माध्यम से उस यज्ञीय ऊर्जाओं से हम आप्लावित होते हैं, और अंततो गत्वा मनुष्य धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि को प्राप्त करता है। अतः इसको देव यज्ञ कहते हैं, और यह सभी को पालनीय होता है। इस प्रकार से सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समूलास में प्रकाश डालते हुए कहा कि मनुष्य का जो पुरुषार्थ चतुष्टय है उसकी जो सिद्धि है वह इस यज्ञ हवन अग्निहोत्र के माध्यम से बताई। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम रोगास्तस्य अपहर्तार श्रेयसो जीवितस्य च। आयुर्वेद में कहा धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम, आरोग्य मूल है, उत्तम है, रोगास्तस्य अपहर्तार श्रेयसो जीवितस्य, रोग आकर के उस श्रेष्ठ का जीवन को नष्ट कर देते हैं, रोगास्तस्य अपहर्तार श्रेयसो जीवितस्य च, जो हमारा श्रेयस्कर जीवन था उसको नष्ट कर देते हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि यज्ञ इस पुरुषार्थ चतुष्टय को सिद्ध करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, एक श्रेष्ठ माध्यम है, सरल सस्ता और अचूक साधन है। जैसे कहा कि धर्म अर्थ काम मोक्षणाम आरोग्य मूल है, उत्तम है, और स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं आरोग्य की सिद्धि यज्ञ के माध्यम से हमें होती है। आरोग्य मानी निरोग्यता, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य किसको कहते हैं? तो आयुर्वेद में कहा समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। समदोषा, सम है दोष जिसके वात पीत और कफ, समदोषा समाग्निश्च जठराग्नि से लेकर के पंच धात्वाग्नि से, सप्त धात्वाग्नि पंच प्राणाग्नि, ये सारी अग्नियां सम है जिसके, समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया, सम है धातु ये, अर्थात रस रक्त मांस मेद मजा अस्थि आदि जो हमारी धातु, सम धातु मलक्रिया, और मलक्रिया ये नाखून पसीना रोमे बाल मलमूत्र जिसको हम कहते हैं बलगम से लेके, ये सारे मल है हमारे शरीर के अलग अलग, सारे मल है सम जिसके, और क्रिया हमारे शरीर से होने वाली जो क्रियाएं हैं वह भी सम है जिसकी। और इतना ही नहीं, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थित्य विधीयते। प्रसन्न है आत्मा इंद्रिया और मन जिसका, प्रसन्न है आत्मा इंद्रिया और मन जिसका स्वस्थित्य विधीयते, वो व्यक्ति स्वस्थ है। और उस स्वास्थ्य को प्राप्त करने का सर्वोत्तम कोई साधन है इस संसार का, तो उसको कहा यज्ञ हवन अग्निहोत्र। बहुत सारे विद्वान लोग अलग अलग रूप में वेद मंत्रों की व्याख्या करते हुए विशेष रूप से बताते हैं कि यज्ञ सार्वजनिक सुख का सर्वोत्तम साधन है। यज्ञ को करने से वायुमंडल शुद्ध होता है, पवित्र होता है, सुगंधित होता है, रोग निवारक बनता है, मेडिकेटेड बनता है, जीवनी शक्ति का उसमें संचार होता है। उस वायुमंडल में रहने से हमारा तन मन प्राण पर्यावरण सब कुछ संतुलित होता है। कहने का अभिप्राय है
हम अन्य क्रियाएं करते हैं तो हमारे व्यक्तिगत जीवन के साथ केवल मात्र जुड़ी रहती है, लेकिन यज्ञ एक ऐसा साधन है हमारे व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ हमारे सामाजिक जीवन के साथ और प्रकृति के साथ भी जुड़ा हुआ पहलू है। अर्थात यज्ञ को करने से हमें भी लाभ होता है, यज्ञ को करने से हमारे परिजन या हमारे आसपास में रहने वाले लोगों को भी लाभ होता है, लेकिन इससे अतिरिक्त पेड़ पौधे पशु पक्षी कीट पतंग से लेकर जड़ चेतन चराचर जगत में भी सत्व का आदान होता है इसी यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से, अग्निहोत्र के माध्यम से। ये कोई छोटी बात नहीं, यह यज्ञ के साथ जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष तथ्यात्मक बात है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस यज्ञ को विशेष रूप से करने के लिए कहा और पंच महायज्ञों के अंतर, महायज्ञ माने प्रतिदिन जो पालनीय है, करने योग्य है, करना ही चाहिए, उसके अंतर्गत गिना। और ये तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मैंने बताया कि पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए भी उन्होंने बताया, वायु का शोधन का सबसे बड़ा उत्तम साधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा उपाय इसी यज्ञ को बताया। उसी प्रकार हम श्रीमद् भगवत गीता में देखें तो भगवान श्री कृष्ण जी भी यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञ से कुतो अन्य कुरु सत्तम, जो यज्ञ शेष अन्न का पान करता है सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, नायम लोको यज्ञ से कुतो अन्य कुरु, और जो यज्ञ नहीं करता है, यजन नहीं करता है, हवन नहीं करता है, अग्निहोत्र नहीं करता है, उसके लिए तो यह लोक भी सुखकर नहीं होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दीजिए। और उसे उल्टा जो यज्ञ करता है उसके लिए यह लोक तो सुखकर होता ही होता है लेकिन उसका परलोक भी सुधर जाता है। और तीसरे अध्याय में और कहा यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्वकल विषय भुज्यन्ते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणा, यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्व, यज्ञ शेष का पान करने वाला मुच्यन्ते सर्व कलवि सभी प्रकार के क्लेश पाप दुख कष्ट दुरितों से वो मुक्त हो जाता है। यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो जैसे कहा ऐसे यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्व क्लेश सभी क्लेशों से पापों से मुक्त हो जाता है और भुज्यन्ते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणत, और बिना यजन का जो भोजन करता है वो अन्न को नहीं अपितु पाप को खा रहा है, वो पापी है, वो पाप का भोग कर रहा है, पापी है और पाप का भोग कर रहा है। भुज्यन्ते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारण, कहने का अभिप्राय कि भगवान श्री कृष्ण जी ने भी इस यज्ञ को मानव जीवन के लिए अनिवार्य रूप से और अवश्यमेव करणीय कर्म के रूप में बताया और कभी नहीं त्यागना चाहिए। 18वें अध्याय में जाकर के फिर से कहते हैं यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणः, यज्ञ दान और तप रूप कर्म को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए मनुष्य। यज्ञ दान और तपह कर्म पावनानी मनीषिणाम, मनुष्यों को भी पावन करने वाला होता है। जो मनीषी है, उच्च चेतना से युक्त जीवन जीने वाले हैं, उसको भी पावन करने वाला होता है। तो हम सामान्य जो जन है उसकी तो बात ही छोड़ दी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने भी इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष स्थान प्रदान किया है और प्रतिदिन हमें करना चाहिए। और भोजन से पूर्व यजन, यह हमारी प्राचीन काल की जो परंपरा है उसमें अक्षुण चला आ रहा है। आज हम भोगोन्माद के कारण आज हम अपनी इस संस्कृति को, पावनी संस्कृति को हम छोड़ रहे हैं, उससे अलग हो रहे हैं, उसको दूर कर रहे हैं। यह हम एक बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। संस्कृति मानव समाज की जड़ होती है, जैसे पेड़ की जड़ होती है। पेड़ अपनी जड़ को छोड़ देता है तो समूल नष्ट हो जाता है, सूख जाता है, अपने अस्तित्व को खो बैठता है। ऐसे ही मानव समाज जब अपनी संस्कृति को छोड़ देता है, अपनी जड़ को छोड़ देता है तो समूल नष्ट हो जाता है, सूख जाता है, दुखित हो जाता है। और आज हम समाज की स्थिति को देख सकते हैं, जैसे जैसे हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम भोगोन्माद की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आज हमने प्रकृति का इतना अंधाधुंध दोहन किया है, आज यह प्रकृति बहुत ही बड़ी मात्रा में प्रदूषित हो चुकी है। जलाशय सूख रहे हैं, ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, समुद्र तटीय जलाशय बढ़ रहे हैं, पेड़ पौधे कट रहे हैं,
वायु इतना जहरीला हो गया कि जो वायु हमें जीवन देता था, आज वही एक साल में WHO के आंकड़ों को देखे तो एक प्रति साल 70 लाख से अधिक लोग इसी वायु में श्वास लेकर के मौत के घाट उतर जाते हैं। ये हमने क्या कर दिया? हम अपनी जड़ को छोड़ चुके हैं, हमने अपनी जड़ को छोड़ दिया, अपने मूल को छोड़ दिया, अपनी संस्कृति को हमने छोड़ दिया, इसलिए ये सारे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें अपनी संस्कृति को देखना है, हमें अपनी संस्कृति को अपनाना है, हमें यज्ञ को अपनाना है, हवन को अपनाना है, अग्निहोत्र को अपनाना है। जब हम अपनी संस्कृति के साथ जुड़ेंगे तो यही पर्यावरण पोषित होगा, शुद्ध होगा, पवित्र होगा, सुगंधित होगा, जीवन देने वाला होगा, जीवन लेने वाला नहीं। प्रकृति का तो काम है पुरुष अर्थात जीवात्मा को पुष्ट करना, संतुष्ट करना, उसको आगे बढ़ाना। तो यह जो कार्य है वह सिद्ध होता है इसी यज्ञ से, यही हवन से, यही अग्निहोत्र से। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण जी हो, स्वामी दयानंद सरस्वती हो, या अन्य भी जो हमारे महापुरुष हुए हैं, या हमारे प्राचीन शास्त्र है, मनुस्मृति में भगवान मनु कहते हैं पंच महायज्ञों को तो हमें प्रतिदिन करना ही करना चाहिए, और जिस दिन छूट जाए तो उसका प्रायश्चित का भी विधान कर दिया, और यहां तक कहा कि जो बिना यज्ञ का भोजन करता है वो ससन अभी मरणमस्त, अर्थात वो व्यक्ति इस धरती पर श्वास लेता हुआ जीता हुआ भी मृत देह के समान है, अर्थात वो जीता हुआ भी वो जी नहीं रहा है, श्वास लेता हुआ भी वो श्वास नहीं ले रहा है, उसके जीवन में कोई सार नहीं है, उसका जीवन बेकार है। इस प्रकार से मतलब कहने का अभिप्राय है कि इतने कठोर शब्दों में शास्त्रकारों ने कहा है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आचार्य चाणक्य जी ने भी इसी प्रकार से चाणक्य नीति में कहा, वेद ध्वनि विवर्जितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहानि तानि। जिस घर में वेद की ध्वनि गुंजायमान नहीं होती है, जिस घर में यजन नहीं होता है, हवन नहीं होता है, अग्निहोत्र नहीं होता है, वह घर स्मशान के तुल्य होते हैं। आचार्य चाणक्य जी के हमें इस यजन का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। एक ओर ब्रह्मत्व की प्राप्ति बता रहे हैं, एक ओर उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति बता रहे हैं, एक ओर अग्निहोत्र से अश्वमेघस्य आप्ति, अग्निहोत्र को करने से अश्वमेघ पर्यंत अश्वमेघ यज्ञ का जो लाभ होता है वह लाभ हमें प्राप्त होता है। जहां एक ओर ये सारी चीजें बता रहे, इसी प्रकार आचार्य चाणक्य जी जहां नहीं करने पर स्मशान तुल्य उसके घर को बता रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण जी यज्ञ बिना यजन का भोजन पाप गिना रहे हैं, इसी प्रकार से आचार्य शंकराचार्य जी इसी अग्निहोत्र को, दैनिक यज्ञ यागादि को जो व्यक्ति करता है तो उससे क्या होता है, तो कहते हैं कि जैसे कहते हैं जैसे हमारे पास कोई तांबे का पात्र है और उस तांबे के पात्र को हम प्रयोग करें या ना करें, लेकिन धीरे 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 वो कलमस से युक्त हो जाता है, काला हो जाता है, और यदि उसको प्रतिदिन हम मांजते रहे, धोते रहे, उसको स्वच्छ करते रहे, तो धीरे 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 वह पात्र चमकता हुआ। कहने का अभिप्राय है कि यदि हम प्रतिदिन उस पात्र को मांजते तो हमेशा चमकता हुआ रहेगा, और यदि उसको हम नहीं मांजते, चाहे हम प्रयोग करें ना करें, वो कलमशों से युक्त हो जाता है। ऐसे ही आचार्य शंकराचार्य जी कहते हैं कि दैनिक अग्निहोत्र आदि कर्मों को जो व्यक्ति प्रतिदिन करता है उसका चित्त हमेशा निर्मल रहता है, शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है, जैसे तांबे का पात्र प्रतिदिन मांजने पर, धोने पर पवित्र रहता है, सुगंधित रहता है, स्वच्छ रहता है। और उससे जस्ट विपरीत, जब पात्र को नहीं धोते, ऐसे ही जो व्यक्ति प्रतिदिन यज्ञ यागादि नहीं करता उसका चित्त कलुषित हो जाता है, कलमस से युक्त हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। ये कई सारे शास्त्र प्रमाण, ऋषियों के, महर्षियों के वाक्य और ये सारी चीजें मिलकर के हमें एक ही प्रेरणा दे रही है, यदि हम अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं। अर्थात सबसे पहला जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, उसकी सिद्धि इसी यज्ञ से होती है, उसको हम अपना है। श्रीमद् भगवद गीता में जैसे यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनो, यज्ञ शेष का पान करना सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। नायम लोको यज्ञस्य कुतो न्यस्य सत्तम, जो यज्ञ नहीं करता वो
यह लोग भी उसके लिए सुख करने होते हैं, परलोक की तो बात छोड़ दीजिए। इसी प्रकार यज्ञ शिष्टा सिना सर्प मुच्यंते सर्व के लिए, सभी क्लेशों से पापों से छूट जाते हैं। अग्निहोत्र से अश्वमेघस्य आपते, अग्निहोत्र को करने से अश्वमेघ यज्ञ के फल का लाभ वो प्राप्त करता है। और ऐसे ही उपनिषदों में कहा, यथे क्षुद्रिता बाला मातरम परियुपास्ते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपास्ते, जैसे भूख से पीड़ित बालक, क्षुधा से पीड़ित बालक अपनी मां को पुकारता है और वो निश्चिंत तो होता है, जब अपनी मां को पुकारता है, अपनी मां के पास जाता है तो अब उनकी बुभुक्षा की निवृत्ति होनी ही होनी, निश्चिंत तो होता है, पूरा विश्वास होता है और होता भी ऐसा ही है। वैसे एवं सर्वाणि भूतानि, ऐसे ही सारे भूत अर्थात सारे मनुष्यगण, सारे जीवगण अग्निहोत्रम उपासते, अग्निहोत्र की उपासना करते, यज्ञ की उपासना करते थे, हवन करते थे, अग्निहोत्र करते थे। यज्ञ को हवन को करने से इस प्रकार के विशेष लाभ, यदे शुद्धिता बाला मातरम परियुपास्ते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्र उपास्ते, हम भी अपनी मनोकामनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी आवश्यकताओं को यदि हम पूर्ण करना चाहते तो यही अग्निहोत्र की शरण में हम आए, यज्ञ करें, हवन करें, अग्निहोत्र करें। कहने का अभिप्राय है इन सारे शास्त्रों में जो विधान है या शास्त्रों में जो अलग अलग रूप में बताएं, यह सारा का सारा मिलकर के हमें एक ही प्रेरणा दे रहा है कि हम अपने जीवन में यदि अग्निहोत्र को धारण करते हैं तो मल्टीपल कई सारे अलग अलग लाभों को हम विशेष रूप से प्राप्त कर सकते हैं। और उन लाभों को प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक ही चीज है, वह है श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। यज्ञ ही इस धरती पर का श्रेष्ठतम कर्म है और उस यज्ञ कर्म को अपनाने से और यज्ञ जीवन जीने से निश्चित रूप से हमारे जीवन में शुभ, सुख, शांति, समृद्धि, सद्भावना, अच्छाई और जो चीज हमारे जीवन को उन्नत करने वाली थी, वो सारी चीजों की हमें निश्चित रूप से प्राप्ति होती है। इसलिए कहा शास्त्रों के अंदर, जो यज्ञ को, जिस हवन को, जिस अग्निहोत्र को हम करते हैं, वह हमारी मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है, वह यज्ञ हमें उन्नति की ओर ले जाने वाला होता है, वह यज्ञ हमें पुण्यों से भरने वाला होता है, वह यज्ञ हमारी प्रकृति को पोषित करने वाला होता है, हमारी प्रकृति को सुंदर बनाने वाला होता है, हमारी प्रकृति उससे स्वस्थ होती है। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे इस यज्ञ के, हवन के, अग्निहोत्र के, देव यज्ञ के लाभ होते हैं। हम आज पंच महायज्ञों की बात करते हैं, उसमें प्रथम ब्रह्म यज्ञ और दूसरा देव यज्ञ के बारे में कुछ सामान्य रूप से आपके सामने रखने का प्रयास किया। आज इतना ही, इसी के साथ ओम शांति शांति शांति। जिनको दमा अस्थमा रहता है, ऐसे कई पेशेंट हमारे पास में हैं, जबकि अस्थमा और दमा वाला जो पेशेंट है वह अगरबत्ती और धुएं से भागता है, वो सहन नहीं कर पाता, उसे तकलीफ होने लगती है, सांस फूलने लगती है उसकी, लेकिन यज्ञ के धुएं से, यज्ञ करने तक, शुरुआत से लेकर एंड तक उन्होंने पूरा यज्ञ करते हैं और आज वो कम 85% उनके पंप छूट गए, जो दमा अस्थमा के जो उनके पंप थे वो भी छूट गए यज्ञ करने से। और वो नियमित रूप से अपने घर में गूगल की ध्वनि आज भी ले रहे हैं और उन्हें पूर्ण लाभ मिल रहा है। हम कई घरों में यज्ञ कराने गए, कई घरों में, और हमने पाया कि दमा अस्थमा वाला पेशेंट यज्ञ को छोड़कर अंदर घर की ओर भागता है, अंदर रूम की ओर भागता है। बोले नहीं नहीं, बाद में चालू करना, पहले हमको अंदर जाने दो। तो हमने उनको बताया कि जब आपको तकलीफ होने लगे तब आप अंदर चले जाना, जब तक तो बैठो, अभी तो हमने कुछ भी जलाया नहीं है, जब जलेगा, धुआं होगा, तब आपको महसूस होगा ऐसा कि चलो कोई बात नहीं, हम तकलीफ हो रही है तो आप अंदर चले जाना। तो हमने ऐसा पाया कि जैसे ही हमने यज्ञ चालू किया, यज्ञ चालू करने के बाद में जैसे ही हमने घी की उसमें आहुति चालू की और वो व्यक्ति पूरा यज्ञ के समय तक बैठा रहा और पूरा लाभ उसे मिला। तो दमा अस्थमा वाले पेशेंट को तो मैं बोलूंगा कि उसे नियमित रूप से यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है।
तो आइए हम संकल्प लें संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें